ये देखो इतनी सारी मक्की बोलते जिसको देख सकते कल सारी की सारी कर दी। पियूषी रुक जा, पियूषी कहाँ भाग रहा है तू? ये पियूषी पीयूष भाग गया। बाकी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी योर फ्रेंड दीपक, आई एम कमिंग बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नानी जी के घर से। तो आज अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 बज चुके हैं। बाकी ये है गुड़िया, ये है अक्षु। और मौसम का हाल मैं बता दूं बाहर आपको, तो बहुत ही खतरनाक व्यू आ रहा है आज। देख सकते हैं चारों तरफ धुंध ही धुंध, और मेरे आगे देख सकते हैं परसीमल का पेड़, और देख सकते हैं अभी इसमें कच्चे परसीमल है लगे हुए। बाकी मौसम देख सकते हैं बहुत ही खराब बोल सकते हैं। तो नीचे नीचे तक ये घास यहाँ पे काटा हुआ था वो भी भीग चुका है। बाकी ये देखो हमारी गुड़िया इधर पे। बाकी मौसम का हाल देखो दोस्तों। और ये देखिए हमारा कुत्ता इधर पे खाना खा रहा है, ये ब्रेकफास्ट हो रहा है इसका सुबह सुबह। बाकी हमने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, हम 10 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 10 बजे यहाँ पे बस आएगी तो उसमें ही हम घर जाएंगे। अब पैदल हम जा नहीं सकते। नानी जी की रसोई इधर पे। बाकी ये देखो सारे के सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखो हमारे नानी जी, ये देखिए हमारे नानी जी, ये चूल्हा जला हुआ इधर पे। तो थोड़ी गरम गरम आंच है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। बाकी देखो ये नानी जी की रसोई। बाकी नानी जी मिठाई देते हुए हमें, ये देखो थोड़ी सी मिठाई लेकिन नानी द्वारा दी गई है ये मिठाई। तो देख सकते कल शाम को ब्लॉग में दिखाया था मैंने दोस्तों आपको कि थोड़े बहुत हमने यहाँ कुकड़ियाँ छेली है। देख सकते थोड़ी नहीं बहुत, ये देखो इतनी सारी मक्की बोलते जिसको। बाकी ये कच्ची मक्की जिसमें दूध की जैसी होती है। बाकी अब ये रही है, इतनी सी रही है। बाकी ये तो हमने देख सकते कल सारी की सारी कर दी। अब ये रही इतनी, अब थोड़ी बहुत हो गई है। कल शाम को हम तो बाकी जितने भी छोटे छोटे थे सारे के सारे 10 बजे सो गए, लेकिन मम्मी नानी मौसा मौसी सब उन्होंने सारा का सारा बहुत 12-1 बजे तक रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर दिया। बाकी थोड़ी बहुत बचा दी अब तो यहाँ पे। बाकी गुड़िया कैमरे में नहीं आ रही, कहाँ चले गई ये अंदर कहाँ गई ये देखो कहाँ घुस रही है कैमरे में नहीं आना चाहती है, ये नहीं आना चाहती कैमरे में। चलो कोई बात नहीं, जब मैं बाहर का आपको यहाँ का दिखाता हूँ। मौसम तो यार आज बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। जो मौसम मौसी है वो भी सुबह सुबह इस बारिश में ही गए। देख सकते व्यू तो बड़ा ही बड़ा यार दोस्तों, तगड़ा आ रहा है तगड़ा। बाकी नीचे को देख सकते हैं। बाकी हमारा कल्लू इधर देख सकते हैं, ये कल्लू अब सुरक्षा कर रहा है यहाँ की बाहर की। ये भी देख रहा है जाऊँ तो जाऊँ का इतनी बारिश में मैं, लेकिन फिर भी बोलो चलते हैं घूमने थोड़ा बहुत। बाकी सुबह से यार बारिश तो बारिश तगड़ी हो रही है तगड़ी। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और सुबह सुबह यहाँ पे बोलो आज ख़त्म ही करनी है सारी की सारी मक्कियाँ जितनी भी है, ये छील के ख़त्म ही करना चप रहा है। अब ये नानी जी हमारे मानते नहीं, ये मम्मी भी मानते नहीं। मम्मी ने ज़बरदस्ती यहाँ पे लगा दिया सबको, अब यहाँ पे लगे हुए हैं। अब गुड़िया तो क्या करे, ज़बरदस्ती लगना पड़ता है इसे भी इधर काम करने मम्मी तो आज में अरे पियूषी रुक जा, पियूषी कहाँ भाग रहा है तू? ये पियूषी पीयूष भाग गया। बाकी अब घर जाने की तैयारी है हमारी। बाकी ये पीयूष देखो, ये छोटा पीयूष सौरव जोशी का बड़ा पीयूष, ये देख सकते हैं हमारा छोटा पीयूषी। और ये देखिए गुड़िया, ये पीयूषी देखो ऐसे भाग रहा है, पीयूष पीयूष ओए ओए। ये है बड़ा पीयूष बाकी अब हम घर जा रहे हैं, हमने सामान पैक कर दिया। नानी ने हमें मक्खियाँ दी है थोड़ी बहुत खाने के लिए। तो वो घर में खाएंगे हम। ये है पियूषी हमारा, पियूषी ओए ओए कहाँ जा रहा है, ओए 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 पियूषी, ओए पियूषी। गाइस तो देख सकते हैं ये शटल है, शटल। पियूषी चार्जर दे दे हमें पियूषी। गाइस तो अभी बस 10 बजने वाले हैं और हम निकल चुके हैं घर की ओर, नानी के घर से अब निकल चुके हैं बस के लिए। बस पकड़ पाई तो बस में जाएंगे वरना पैदल जाएंगे, इतना दूर है नहीं हमारा घर यहाँ से। लेकिन दोस्तों ठंड बहुत ही ज़्यादा है आज, सुबह सुबह ही बारिश हो गई और ठंड इतनी ज़्यादा, कपड़े भी नहीं पहने हुए उतने ज़्यादा हमने, पतले पतले कपड़े हैं और ठंड बहुत ही ज़्यादा है। गाइस तो अभी 10:30 बज चुके हैं और घर हम पहुंच चुके हैं। बाकी बस लेट आई तो हम पैदल चले, जब तक बस आई तब तक हम घर पर भी पहुंच गए। बाकी बारिश तो इधर पे भी अच्छी खासी हुई है, गीला थोड़ा बहुत घास था कल हमने जो काटा था वो भीगा है, बाकी तो सब लगाया हुआ है हमने घूमट में, बाकी कुछ नहीं भीगा। कल हमने काटा भी दोपहर तक ही था कि शाम को तो हम श्राद्ध खाने जाने थे, इसलिए सुबह तक का ही जो सुबह काटा था हमने वही भीगा सिर्फ घास, बाकी कुछ नहीं भीगा। बाकी अब घर पर भी हम पहुंच चुके हैं, है अब धूप भी निकल रहा है इधर पे, तो यहाँ अब धूप भी निकलने लग गया है अच्छा खासा मौसम है। इधर नीचे को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी लेकिन इधर मौसम ठीक ही है वैसे। हे गाइस तो अभी बज चुकी है दोपहर के 3 और अभी मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। तो मैं जा रहा हूँ डलटिया लाने, डलटिया मतलब जो चील होती है, चीलें दिखाई हुई है मैंने आपको पहले भी दिखाता था, तो वो जो सूखी हुई रहती है तो उससे हम निकालते हैं थोड़ी थोड़ी और उससे आग बड़ी जल्दी जल जाती है। तो मेरे पीठ में किल्टा और कुल्हाड़ी चेक कर रहा था मैं, इधर पे देख सकते हैं ये है छोटा सा चील, टूटी हुई थी जो बाकी थी वो तो मैं ले गया, ले गए हम घर, लेकिन ये रहा हुआ है तो देखते इससे कुछ निकल पाती है थोड़ी बहुत डलटिया तो निकालते हैं। गाइस तो अभी हमने बस डलटिया सारी बस इकट्ठी कर ही ली है, तो ये देख सकते हैं इतनी हो पाई हमसे, इसमें इतनी थी, ये पूरा हमने खोखला कर दिया बिल्कुल। अब इसे तोड़ना मुश्किल है, बड़ा टाइम लग रहा है कि एक डलटी निकालने में इससे, तो बस अब इतना हुआ है, देखते अगर और मिलती हमें तो करते हैं हम वरना रहने देते हैं। गाइस तो अभी बस थोड़ा बहुत वार आया हुआ था और हमने 2-3 ये सट्टे और लाए हैं, देख सकते हैं ये सब यहाँ पे घास काट रहे थे, इनके भी बिंडे बन चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मैं ये डलटिया काट कर ले जा रहा हूँ तो ये किस काम आती है, ये आग जलाने के काम आती है, क्योंकि सर्दियों में आग जल्दी नहीं जलती और ये जो डलटिया होती है चील की डलटिया होती है तो इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, जैसे ही आग के पास इसे ले जाए तो ये जल जाती है, इसलिए आग जलाने में दिक्कत नहीं होती, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। गाँव में तो हर घर में मिलेगी। तो दोस्तों डलटिया और घास लेके हम वापस आ चुके हैं, तो इस व्लॉग को तो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में। अगर आपको विलेजर लाइफस्टाइल व्लॉग अच्छे लगते हैं या आपको पहाड़ों में आना या हिमाचल पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।